दोस्तों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था जिसको मैं अब सोल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। अब इसके अपने को क्या है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए क्या है, शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं, सबसे पहले माना है fx 3x² - x - 4। अब इसको क्या करेंगे, एफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर करने के बाद अब इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है, दो। तो इसके दो शून्यंक होंगे और इसको अपने ये द्विघात समीकरण है, इसको अपने किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि, सबसे सरल विधि है गुणनखंड विधि, उससे सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अपने क्या इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों की गुणा करके चेक करते हैं। चलो गुणा करते हैं, 3x² - -4, माइनस भी लेना है, कितना आया, -12x². अब देखो अपने को ऐसी दो संख्याएं चुननी है जो जोड़ने व घटाने पर तो -x आए और गुणा करने पर -12x² आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, 12 किसके पार्ट में आता है, 2 6 12, 2 के पार्ट में आता है, इनके पाड़े में भी आता है, ओके 6 के पाड़े में भी, तो वापस रिपीट हो जाएगी, 6 2 12 यानी 2 6 12 एक ही बात है, 4 3 12 4 के पाड़े में आता है, 12 1 12 के पाड़े में आता है। तो अपने बस तीन ये जोड़े हैं, और यहाँ तो 2 और 6 लें या 3 या 4 लें या 12 और 1 लें, तो 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 4। तो घटाने पर 4 आ रहा है, तो यहाँ अपने को चाहिए एक्स, जोड़ने पर देखो 6 2 8, तो इसका मतलब 8 भी नहीं आ रहा है, तो ये तो ले ही नहीं सकते। अब अपने पास है 12 में से 1 गया कितना आता है, 11, और 1 और 12 कितना होते हैं, 13। तो 11 और 13 दोनों ही यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ अपने को चाहिए 1, तो इसलिए इसको काट देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो 3 और 4 कितना होते हैं, 7, और तो जोड़ इसका मतलब 3 और 4 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 7, तो वो लेंगे नहीं। अब 4 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है, 1, इसका मतलब घटाने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 3 और 4 लेते हैं तो आ रहा है, 3 चौक 12, गुणा करने पर 12 आ रहा है, घटाने पर देखो 4 में से 3 गया 1। तो घटाने के लिए शर्त मैंने बताई कि विपरीत चिन्ह दो, एक प्लस का ये माइनस का, या एक माइनस का ये प्लस का, एक ही बात है। तो अपने वो डिपेंड करता है किसके साथ माइनस लगाना है, किसके साथ प्लस लगाना है। तो 3x² 3x 4x -4 = 0, एक बार लिख देंगे, चिन्ह बाद में लगाएंगे, यहाँ क्या है माइनस। तो माइनस कब आएगा, जब मैं बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाऊं और छोटी संख्या के साथ प्लस लगाऊं। तो इन दोनों की गुणा करो, 3 चौक 12 -12x² आ रहा है, इनमें घटा के देखो 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, -x, क्योंकि विपरीत चिन्ह में क्या है, घटाते हैं। अब क्या है, कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ x² है पर यहाँ x है, तो कम से कम एक x तो मिल रहा है और 3 भी मिल रहे हैं, तो जो भी कॉमन लेते हैं उसका इन पदों में भाग दे देंगे, इसमें भाग 3 से 3 कट जाएगा और x x कट जाएगा, तो एक x तो बचेगा, 3x से 3x कट जाएगा प्लस का, यहाँ देखो माइनस का 4 और यहाँ भी माइनस का 4, मतलब माइनस माइनस दोनों में कॉमन, दोनों में माइनस है, x दोनों में नहीं है, तो -4 एटलीस्ट कम से कम ये तो कॉमन आएगा, और -4 का भाग देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ तो x बचेगा, -4 का इसमें भाग देंगे तो प्लस का 1 = 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, और 3x - 4 यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा दोनों में है ना, तो दोनों क्या है कॉमन ले लेंगे। अब क्या है, बारी बारी से इनको क्या है, 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x, अब ये प्लस का 1 है उधर गया तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये आंसर आ गया। अब क्या है, 3x 4 को -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +4। x = क्या होगा, 3 गुणा में है तो उधर गया तो बट्टे में, x का मान क्या आ गया, 4/3। ये क्या शून्यंक है, तो शून्यंकों को अपने क्या, अपने भाषा में अपने इसको नाम दे देंगे, माना
शून्य अंक, अल्फा बराबर माइनस एक, बीटा बराबर चार बटा तीन। अब अपने को क्या शून्यांकों तथा गुणों को मीज की बीज संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपने पास शून्यांकों व गुणों को बीज का सूत्र क्या है? शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। अब अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? माइनस एक। बीटा का मान प्लस का चार बटा तीन। माइनस बी का मान पता नहीं है और ए का मान पता नहीं है, तो अपने कैसे पता लगाएंगे? जो ये सवाल है तीन एक्स के माइनस एक्स माइनस चार, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। इनकी करेंगे तुलना। ए का मान कितना आ गया? तीन। बी का मान देखो, बी का मान है एक, माइनस भी लेना है, चिन्ह भी लेना है, तो माइनस का एक, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस एक बटा तीन। अब क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ संख्या है और यहाँ बट्टे में संख्या है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, एलसीएम। तो इसका लघुत्तम लेने के लिए इसका लघुत्तम कितना आएगा? तीन। एक का भाग तीन में देंगे, तीन बार तीन की गुणा एक से करेंगे माइनस तीन, प्लस का प्लस, तीन में तीन का भाग देंगे एक बार एक की गुणा करेंगे चार। अब ये विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में हमेशा घटाते हैं, चार में से तीन गया माइनस प्लस का एक, क्योंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है घटाने पर वही लगेगा, तो दोनों बराबर है। ये तो संबंध सत्य है, दोनों बराबर है। अब क्या है, गुणा करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? सी बटा ए, सी बटा ए। ये कोफिशियंट होते हैं ए बी और एक्स एक्स स्क्र और एक्स के। तो सी क्या है? सी है माइनस का चार। तो अपने क्या है, सी के यहाँ क्या लेंगे अपने? माइनस का चार। ए का मान कितना है? ए का मान है तीन, माइनस चार बटा तीन। अल्फा की गुणा, अल्फा का मान कितना है? माइनस एक। और बीटा का मान कितना है? चार बटा तीन। तो इनकी गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस चार बटा तीन, माइनस चार बटा तीन। ये दोनों बराबर है। अब ये अपने ये कह सकते हैं कि शून्यांकों तथा गुणों के बीच मध्य संबंध सत्य। अब ऐसे इस तरह की लाइन लिख देंगे, शून्यांकों तथा गुणों के मध्य संबंध सत्य है।